अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्शन स्टूडियो BWP। और आज ही मेरे साथ वही मेरे कज़न, मेरे दोस्त, मेरे भाई दानिश, ताहिर और तलहा। और आज आए हैं हम जी चाचा रेस्टोरेंट पे। आज दानिश भाई जो है हमें ट्रीट दे रहे हैं। आपको शक्ल से ही लग रहा होगा थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि आज ट्रीट दे दानिश भाई ने जी हमें इन्वाइट किया चाचा पे। अब मेन्यू भी हमारा फाइनल नहीं हुआ, तो मेन्यू जो है अभी थोड़ी देर में फाइनल होगा, तो देखते हैं। ये है जी चाचा शिनवारी फैमिली रेस्टोरेंट, चाचा होटल भी कहते हैं। और ये है सिविल हॉस्पिटल रोड पे। अगर आप यूनिवर्सिटी चौक से आते हैं तो तकरीबन वहाँ से ये 1.5-2 किलोमीटर जो है उसी फासले के ऊपर है, और सिविल हॉस्पिटल से बिल्कुल थोड़ा सा पहले आ जाता है राइट साइड पे। बहुत आउट क्लास रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा टच दिया हुआ है। और यहाँ पर ज़रूर है अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। और आज हम जो है यहाँ पर इनकी चिकन मक्खनी कढ़ाई जो है वो ट्राई करने वाले हैं जी। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। क्या लाइक मुड़ा ये चेयर्स? बस इजी चेयर्स। चलें ठीक, ओके, थैंक यू। एक विलेज टाइप का आपको यहाँ पे टच मिलता है। बहुत ही मज़ेदार सा लॉन है, और आप देख सकते हैं सामने जो ट्रक आर्ट जो है, ये देखें ट्रक का एक आर्ट किया हुआ उन्होंने, बहुत ही अच्छा। लाइक जिस तरह ट्रक का फ्रंट होता है, ये चाचा शिनवारी भी इसका नाम है, चाचा होटल भी। और ये इनका जी किचन है सामने, और ये कोल्ड बार है सामने, और साथ ही इसके ये चाय बन रही है। ये भी आपको सारा कुछ दिखाते हैं। और ये इनका जो है इंटीरियर किचन है, और ये कि आपको मैं लॉन आ गया, ये सब दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। और बाकी ये देख रहे हैं आप इसका माहौल, ये इन्होंने जी अंदर बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है, इजी चेयर की भी और मूड़ा की भी, बहुत ही प्यारी और आउट क्लास सेटिंग है। ये मैं आपको ज़रा ऊपर से दिखाता हूँ, लेकिन इन्होंने ऊपर क्लोज़ कर दिया था, लेकिन मैंने कहा चले ऊपर जी इनका फैमिली एरिया बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा आर्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये आ गया जिसका ऊपर वाला पोर्शन, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये बहुत ही अच्छा जी, यहाँ से देखें इसका जो सीन है, जो नज़ारा है, ये बहुत ही आउट क्लास है। ये देखें बहुत ही प्यारा लाइट्स इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। और ये जी आ गया पूरा इसका व्यू, ये पूरे रेस्टोरेंट का व्यू है जी, मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये देखें चाचा फैमिली रेस्टोरेंट का ये मेन्यू आ गया। और हमने जिसका मेन्यू रीड किया, क्योंकि हमने यहाँ पे, मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो यहाँ के मैंने जी इनकी मक्खनी कढ़ाई ट्राई की थी। तो मक्खनी कढ़ाई का प्लान बना जी कि हम मक्खनी कढ़ाई ऑर्डर करें, तो वही 1 kg की हमने तंदूरी रोटी के साथ मक्खनी कढ़ाई का जो है वो हमने ऑर्डर दिया है। ये आ गया जिसका मज़ेदार सा बारबेक्यू, आप देख सकते हैं और क्लास बारबेक्यू। यहाँ पे आपको हर टाइप का बारबेक्यू मिलेगा, बोटी, टिक्का, पीस, एवरीथिंग, कबाब। और ये गर्मियों में तो उसे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये जी हमारी कढ़ाई रेडी हो रही थी, मैंने कहा ज़्यादा जाके कढ़ाई का भी शॉट लिया जाए। ये कढ़ाई हमारी रेडी हो रही है, शेफ बहुत पुराना है यहाँ पे, जब से ये होटल बना है तो ये भाई साहब ही यहाँ पे जो है कुकिंग कर रहे हैं। ये सर किचन है जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन ये जब कढ़ाई रेडी हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार मक्खनी कढ़ाई रेडी हो रही है। और अब इसमें ऐड कर दिया जी इन्होंने दही, दही ऐड किया जी। अभी इसमें मज़ीद पकना है अभी, और फिर आपको इसकी भी फाइनल लुक दिखाते हैं थोड़ी देर में।
साथ ही भाई मज़ेदार सी चाय बन रही है। वाह जी, दूध पत्ती तैयार हो रही है यहाँ पे, चाय भी इसकी और बहुत ही मज़ेदार है। अब चाय ट्राई करना चाहेंगे तो चाय। दानिश रेडी, ले जी खाना आ गया। ये आगे जी मज़ेदार सी मखनी और वाह जी, इन्होंने बटर भी ऊपर रखा हुआ, मक्खन रखा हुआ। चलो लाइट के साथ आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें जी, ये जी लुक है जी, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग कढ़ाई और टेस्ट भी आउट क्लास। फ्रेश सैलेड और साथ हमने दो रायते जी, मिंट और ज़ीरा रायता और फ्रेश सैलेड का रायता और साथ में तंदूरी रोटी। मेरे भाई चिल कोक लेके आए जी हमारे लिए। सर खाना कैसा था? माशाल्लाह सर, खाना अच्छा था। दानिश भाई चला भाई बहुत अच्छा, माशाल्लाह जी मज़ा आ गया खाने का। तो भाई खाना खा लिया हमने, बहुत मज़े का खाना था। क्यों भाई मज़े का खाना था? दानिश भाई थैंक यू सो मच, आज एक्सपीरियंस हमारा अच्छा अच्छा था। दानिश भाई का देख ले, जिन्होंने हमें आज बहुत दानिश भाई जो है बहुत छोटे, हालांकि बिजली का बिल नहीं था आगे, लेकिन यहाँ पे कर दिया अच्छा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी।